नमस्ते। अब तक की वीडियोस में आपने एटमी इंडिया के एजुकेशन सेंटर और सेंटर लीडर के डूज और डोंट्स के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में आप एटमी इंडिया एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे। इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखें और प्रोसेस को समझने के बाद ही अप्लाई करें। एप्लीकेशन को एटमी इंडिया द्वारा इवेल्युएट किया जाएगा और इवेल्युएशन के आधार पर सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा और मॉडिफिकेशंस के लिए आपको सूचित किया जाएगा। एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने पर आवेदक फिर से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एप्लीकेशन को बहुत ध्यान से भरें। तो आइए अब समझते हैं एप्लीकेशन के 8 स्टेजेस को। फर्स्ट इवेल्युएशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, टेलीफोनिक राउंड, वीडियो प्रेजेंटेशन, लेटर ऑफ इंटेंट, सेकेंड इवेल्युएशन, अग्रीमेंट, अवार्ड सर्टिफिकेट। फर्स्ट इवेल्युएशन की 5 सब स्टेजेस हैं जो कि इस प्रकार होंगी। पहली स्टेज, एप्लीकेंट की डिटेल्स को चेक और वेरीफाई करना। दूसरी स्टेज, प्री ऑथराइज्ड कंडीशंस पर कंसेंट देना। तीसरी स्टेज, प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर की डिटेल्स को फिल करना। चौथी स्टेज, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए कंसेंट देना। पांचवी स्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स के लिए कंसेंट देना। अगर प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर के आधे किलोमीटर के दायरे में कोई और एजुकेशन सेंटर है तो उस सेंटर लीडर द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। रॉयल क्लब मेंबर्स द्वारा गारंटी लेटर और स्पॉन्सर लेटर की आवश्यकता होगी। रॉयल क्लब मेंबर की लिस्ट हमारी वेबसाइट के रिसोर्स टैब में अपलोड की जाएगी। दूसरा स्टेज है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। हर सेट में 5 रैंडम क्वेश्चंस होंगे जिनका उत्तर देना अनिवार्य है। क्वेश्चंस की कैटेगरीज इस प्रकार हैं, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, कंपनसेशन प्लान। अब मैं आपको तीसरे स्टेज के बारे में बताऊंगी जो है टेलीफोनिक राउंड। एटमी इंडिया द्वारा एप्लीकेंट को कॉन्टैक्ट करके एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। चौथा स्टेज है वीडियो प्रेजेंटेशन। एप्लीकेंट को 4 से 5 मिनट की वीडियो हिंदी और इंग्लिश में बनानी होगी जो कि 400 MB फाइल साइज से कम होनी चाहिए। इसके टॉपिक्स इस प्रकार होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एटमी केवल 1 मिनट में, 2 एटमी के प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन 1 मिनट हर एक प्रोडक्ट के लिए, एटमी कंपनसेशन प्लान केवल 1 मिनट में, मोटिवेशन टू बिकम एजुकेशन सेंटर लीडर केवल 1 मिनट में। आइए अब आगे बढ़ते हैं 5वें स्टेज पर जो है लेटर ऑफ इंटेंट। इस स्टेज में लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाएगा जिसमें टर्म्स और कंडीशंस होंगी और एजुकेशन सेंटर को 4 महीने में पूरा करने की कंसेंट होगी। इसके बाद 6th स्टेज है सेकेंड इवेल्युएशन। इस स्टेज में 3 सब स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, लीज्ड और ओन्ड प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। दूसरी स्टेज, फसाई लाइसेंस के लिए कंसेंट देना। तीसरी स्टेज, निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, इंटीरियर, एक्सटीरियर और एंट्रेंस फोटोज,
कम से कम 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर के साथ एसोसिएट होंगे, कम से कम 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट जो कि प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर के साथ एसोसिएट होंगे, कम से कम 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स के कंसेंट लेटर्स जो प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद चलते हैं सातवें यानी कि सेवेंथ स्टेज पर जो है अग्रीमेंट। इस स्टेज में अग्रीमेंट जनरेट किया जाएगा। एजुकेशन सेंटर लीडर को अग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस को अग्रीमेंट की अवधि के दौरान फॉलो करना होगा। और आखिरी स्टेज आठवां स्टेज है अवार्ड सर्टिफिकेट। इस स्टेज पर एजुकेशन सेंटर को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जिसे एजुकेशन सेंटर के अंदर डिस्प्ले करना होगा। आवेदक द्वारा स्टेट यूनियन टेरिटरी सरकारों के नियम और कानून के अनुसार जरूरत पड़ने पर आवेदक को अतिरिक्त डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ सकते हैं। एटमी इंडिया एजुकेशन सेंटर के प्रोसेस को समझने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बैंड पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं।